मैंने ये इसका ऑयल पुलर का जो ऑयल कूलर का बोल्ट खोल दिया, इसमें 4 बोल्ट आता है, 12 पाटे वाला 6, 8 नंबर का, 12 पाटे वाला 8 नंबर का एलिंकी इसमें लगता है। तो मैं आपको एक मैकेनिकल टिप देना चाहूँगा कि पहले इसके 4 बोल्ट लूज़ करके निकाल लीजिए, और फिर ये इंजन ऑयल डिपस्टिक में क्लिप लगता है इधर ऑयल कूलर के बॉडी में, वो क्लिप निकालिए। उसके बाद ये जो ये कूलेंट का पाइप है उसको निकालिए, क्योंकि पहले निकालने जाएंगे तो इधर जगह नहीं मिलेगा। इसको ऐसे निकाल के बाजू में कर लीजिए ऑयल कूलर को, फिर इधर क्लिप लगाने के लिए आपको जगह मिलेगा। अभी निकाल लेता हूँ मैं ऑयल कूलर को, इसका पाइप मैंने खोल दिया है। निकाल लिया मैंने ऑयल कूलर बाहर, देख सकते हैं आप, निकाल लिया है मैंने पूरा ऑयल कूलर, देख सकते हैं आप। ये इसका जहाँ पे लगा हुआ था, देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सड़ा हुआ है, गला हुआ है, इसके अंदर बहुत सारा, देखिए कूलर टाइम में चेंज नहीं किया इसलिए, देखिए आप देख सकते हैं, देखिए ये इधर यहाँ पे गन रस्ट पकड़ लिया पूरा, इसकी वजह से खराब हो गया। और ये ऑयल कूलर है, देख सकते हैं आप ये ऑयल कूलर, इसका जो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या, ये देखिए ये जो हिस्सा ये कटा हुआ है, ये देखिए यहाँ से ये ठीक है, लेकिन यहाँ से जो है इसका बोर्ड है गायब है, देखिए हाँ ये देखिए ये बॉर्डर इसका जो है ये गायब है। तो इसको अभी ये पूरा असेंबली ऑयल कूलर का में चेंज करना होगा, और ये रिंग भी चेंज करना होगा, ये टूटा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।